सतनाम साखी सतनाम साखी के मानो है नहीं बैठा भी है नहीं सतनाम साखी सतनाम साखी साईं जन जो भजन भी आहे प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सुबुह सवेरे गहरी निंद्र घेरे अचो आलसन के कंद घर केरे प्रातः काल अमृत वेला जेके नाम जपण जी आहे ये संत शास्त्र जेके बुझाइन था वहा मौज उन्होंने के मिलंदी आ जेके प्रातः काल जागण जो अभ्यास कंदा है ने ही त ता ताड़ियों दा वजायो आज जागया है वो जागदा है घर में ये खणे ताड़ियों खणी वजायो दा सतनाम साखी सतनाम साखी ए स्पेनिश सब समझा पिया हुंदा है सतनाम साखी सतनाम साखी रात जो बी बी बजे तक जागदा है न जागन सारी रात जोगी सतनाम साखी सतनाम साखी अमृत वेले जी मौज एकड़ी भी न्यारी है जेकी संतन के मिलंदी है जेको जागंदो जो जागेगा चौदायन अमृत वेले को देवता भी घूमते हैं और जो भजन में बैठा होता है उसे आशीर्वाद दे के जाते हैं तथास्तु और जो सोया पड़ा होता है उससे कहते हैं बच्चा सो जा अब भाई रहो पुटे सतनाम साखी सतनाम साखी एडे ओडे न थी ना एक अंध भाई रहो सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी अमृत वेले दर्द वंदन ज्यों दाहू साहेब बुदंदो थे हाँ ये खबर भी सब तो पो भी न था जागो सतनाम साखी सतनाम साखी कितनी महिमा है अमृत वेले की दरा आप अभ्यास करके देखो संत कोई ऐसे नहीं बोलते हैं उस वक्त ना आप नाम का स्मरण करेंगे और नाम जो हो वो श्वासों से चले जैसे सो से सो को ऊपर ले जाओ हम को नीचे छोड़ो ये श्वासों से गुरु मंत्र का स्मरण होता है इस श्वासों से अगर आप जपोगे तो आपकी मन की वृत्ति कहीं भी नहीं जाएगी कहीं भी नहीं जाएगी ये आप कहते हो कि हमारा मन लगता नहीं है तो ताशो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो रट लगाए शरीदा है सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी तो प्रातः काल की महिमा बड़ी है जो प्रातः काल को उठकर के गुरु मंत्र का अभ्यास करते हैं तो उनकी वृत्ति यदि नाम से लग जाती है जब तक ये शब्द जो है नाम ये उस ख्याल से जुड़ेगा नहीं शब्द को तन थे पहिंजो ख्याल के मिलंदो दीन दयाल पहले पहले सबसे पहले है शरीर को रोकना है एक जगह स्थिर करके जो वो हिले नहीं उसके बाद फिर मन को रोकना है फिर जो मन आपका आप बैठे हो आप नाम जप रहे हो मन आपका इधर उधर भाग जाता है करिए समझ आ रही है थोड़ी साडा मन नहीं वस विच आवे
दसोनी हुण की करिए, बारों फड़ के अंदर ले आवा। फड़ के नाम के द्वारा तो कहते हैं गुरबाणी है कि सर्व दुखन की औषध नाम, सारे दुखों की दवाई है नाम। तो नाम जप करके जिनके दुख दूर नहीं हुए, जिनके कष्ट दूर नहीं हुए, समझो कहीं ना कहीं कोई रोला है, कहीं ना कहीं। सतगुरु मारी शब्द कटारी, सतगुरु मारी शब्द कटारी, क्यों ना मरा मन क्यों ना मरा। धोबी को जो वस्त्र दिया, मैल उतारे उज्जवल किया, रंग में धरया रंग न चढ़या, क्यों न चढ़ा रंग क्यों न चढ़ा। वैद द्वारे रोगी आया, अपने दुख का हाल सुनाया, दारू लाया दर्द न जाया, क्यों न टरा दुख क्यों न टरा। कोई कारण है जरूर। रहत सदा सतसंग में और करत सदा सतसंग, तुलसी ये अचरज बड़ो जो मन नहीं लागे रंग। सत्संग भी कहूं था, सतगुरु जो नाम में जप्यूं था, ब्या व्रत नेम पाठ पूजा भी कहूं प्या, तंखा वो भी मन ते वो रंग नथो लगे। अलाए छो यो केड़ो कारण है यो पुछजे। अमृत वेले निंड मां जागी, सिख साराम संभार बंदा। अमृत वेले निंड मां जागी, सिख साराम संभार बंदा। अमृत वेले निंड मां जागी, सिख साराम संभार बंदा। अमृत वेले निंड मां जागी, सिख साराम संभार बंदा। सतनाम साखी, सतनाम साखी, ये सिख सा राम छो चयो तन, इन मतलब ता सिख सा नथा जप्यो, तदी चवणो पियो। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में गुरु असांजी सतगुरु स्वामी टेऊंराम महाराजन जी वाणी में ये घणाई माण्हुनि जा प्रॉब्लम इहे ई त आहिनि त मन नथो लॻे। साईं वेहूं त था भॼन पे पर मन नथो लॻे, और जेसि ताईं मन न लॻियो आहे, मन मन हुन शब्द सां जुड़ियो न आहे, त तव्हां श्वासनि सां जपियो त तव्हांजो मन ज़रूरु हुन शब्द सां जुड़ंदो, हेॾां होॾां बिल्कुलु न वेंदो। तव्हांजी सभु ॾिसो तव्हांखे केतिरी मौज थी अचे, पर हुजे वरी प्रातःकाल हुजे, प्रातःकाल जी मौज ॾाढी उहो आहे, सॼो वातावरण शांत शांत, कुझु बि घर जो बि कुझु चूं चूं कोन्हे, सभु सुम्हिया पिया आहिनि, सभई सुम्हिया पिया आहिनि। तव्हां उथी करे पंहिंजो प्रेम सां उहो गुरु मंत्र जपींदा, अहिड़ी मौज अची वेंदी, अहिड़ी मौज अची वेंदी, तव्हांजी सुध बुध भुलिजी वेंदी त मां किथे वेठो आहियां। अहिड़ो नाम जो असरु थींदो आहे, सतनाम साखी, सतनाम साखी। त सिक सां राम सां भार बंदा, त माना जीअं गुरु तोखे समुझायो आहे नाम जे वेले, जेकॾहिं महिल तूं नाम वठणु वेंदो आहीं त ओॾी महिल गुरु तव्हांखे सिखिया ॾींदा आहिनि की नाम जी जेकी मां जेॾी महिल जपींदो आहियां त ओॾी महिल मुंहिंजो मनु हेॾे होॾे थी वेंदो आहे। त हुननि खे हिकिड़ी ई हथ जोड़े असांजी प्रार्थना आहे त हू अखियूं ओॾी महिल बंदि न करे, इहे यादि रखिजो। अखियूं खोले गुरूअ जी मूर्ति खे निहारियो, ईअं ओॾी महिल नाम जपंदा रहो ऐं गुरु जी मूर्ति खे निहारींदा रहो साम्हूं, त तव्हांजो मन मजाल किथे वञे, सिर्फ़ु गुरु जी मूर्ति खे पियो निहारींदो। त मूर्ति खे निहारे 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 वरी अखियूं बंदि कयो, पर ॾिसंदव तव्हां हिकु मिंट उहा मूर्ति तव्हां वटि रहंदी, जे तव्हांखे मूर्ति जो अभ्यास कोन्हे त वरी अगरि गायब थी वञे त वरी अखियूं खोले छॾियो, ईअं खोलियो बंदि कयो, तव्हांजो मूर्ति जो अभ्यास थी वेंदो ऐं मूर्ति तव्हांजी पकी थी वेंदी, मूर्ति तव्हांजी
संतन जी छुप की थी वे जी ध्यान लगाइन थी उन्होंने गुरु महाराज की मूर्ति अगे अची वी जी हाँ तें प्यारे के याद कर जो प्यारो में प्यारो हो जो खाली उन सुमरण कर अची तो वे आख्या में एकदम अची वे अग्न तो गुरु के याद करो ए गुरु तगिया ना अचे ये न चाहो को तुम अभ्यास को जै मू के घो ऐसो है सजो ढी जै मू के ऐसो तो जी मल ध्यान लगाइंदा वो तुझे सामू अची वो तो अमृत वेले निंड साराम संभार बंदा सिख साराम संभार बंदा सिख साराम संभार बंदा अमृत वेले निंड जागी सिख साराम संभार बंदा अमृत वेले निंड जा राम सिख सारा राम भजन लाए आए हितड़े कर भक्ति जी कार बंदा राम भजन लाए आए हित कर भक्ति जी कार बंदा राम भजन लाए आए हित कर भक्ति जी कार बंदा राम भजन लाए पाड़ जसो इकरार बंदा मात गर्भ में कौल जो पाड़ जसो इकरार बंदा अमृत वेले निंड जागी सिख साराम संभार बंदा अमृत वेले निंड जागी सिख साराम सिख सार प्रेम साचो सतनाम साखी सतनाम साखी प्राणी सोच जरा दुनिया में क्यों आया कद इन पास भी सोचिंदा कयो ता असा आया हूं पा इो कम करण या कोई बो भी है साहिबन जी बाणी आए चार गवाए हंड के चार गवाए सुम लेखा रब मंगेशिया तू आयो कड़े कम ये मानुष चोला मिला है फकत खाने के ना लिए ये तो मिला है हरि भजन पुन प्रभ पाने के लिए तरी साहिबन जी बाणी आ कि अवर कज केवल ना गुरु सेवा ते भगत कमाई तब यह मानुष देही पाई को हिय फोकट में देही न मिली वही तो सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी तो प्राणी जरा दुनिया में क्यों आया ऐसा बांका चोला जिस पर दागों दाग लगाया जेडी माल परमात्मा तोखे ही देह दिनी जब तेरे को ये शरीर दिया तो ये उज्जवल था बिल्कुल उज्जवल ये गाना गाते हैं ना मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे माना मैली कही था ना इन माखे
कि साईं मां मैली चादर या पाए कर किया अचा तुझे दरबार में, तो मुखे निर्मल काया दिनी। बिल्कुल मां इनके काम जो दाग, क्रोध जो दाग, मोह जो दाग, दागों ही दाग लगाया। ऐसा बांका चोला जिस पर दागों दाग लगाया, सीधे कर्म को छोड़ के हरदम उल्टे कर्म कमाया। हेडो संत समझाइन था, वरे भी मानू समझन कौन था कि बार बार कहो तो ये सावधान क्यों ना होए, ये ममता की पोट शेर काहे को धरत है। मेरो धन मेरो धाम, मेरो पशु मेरो गाम, मेरी सुत मेरो वाम, ये भूलो यो फिरत है। तू तो भयो बामरो, बिकाए गई बुद्ध तेरी, ऐसे अंधकूप ग्रह तामे तू परत है। तन छाजल मिलो है चेतन, जेकी अंदर में तुझी आत्मा है, जेको तुझो निज स्वरूप है, उनके सुजाणन लाए तोखे मनुष्य जी देह मिली आए, न कि तोखे ब्या दुनिया जा भोगल लाए, परमात्मा तोखे दिनी आए। यह तन चेतन चेतन हेत भयो, भव भोगन हेत न देव दयो, इस हेत जनो तुम भोग तजो, तन मांस में नित ब्रह्म भजो। बंदा कम लाए वरी कम कहड़ा तो करी, आयो आई कहें कम लाए कम कुछ भी पो करी। सतनाम साखी, सतनाम साखी, मां चयो बार के वनी ही कम करे अच, वनी ही शै वठी अच दुकान ता। मैं एकड़ो मदारी पे खेल देखारे, हा होने के दिसण में हो तने जी मां जी बाजी छड़ी वई। सतनाम साखी, सतनाम साखी, वो जो वापस आयो तो किथे मो एडी देर दारी यो खेल हो डाडो सुठो देखारी। ए खडे में पे मदारी खेले तू तो मां तो के मोकलो शै वठिया, तो परमात्मा ताके मोकलो आते। अरे स्वासा दासी धन दे के, ये स्वासन रूपी धन दे करे परमात्मा तोखे संसार में मोकलो आए। स्वासा दासी धन दे के रब तैनू तोरिया, तोरिया माना है उठा मोकलो थई, एथे आके नाता तै क्यों रब नालो तोड़िया। परमात्मा तोखे स्वासन रूपी धन नहीं करे ते मोकलो आए, वनी कमाई कर कुछ कर है, तो इतने अची करे भगवान साई ना तो तोड़े छो थी। तुलसी वो दिन याद कर जब तले था शीश, अब तो माया मोह आजो भूल गया जगदीश, उनके विसारे छो थी। भगवान भी वरी चाहे तो मुखे भी भुलाई तो सुख के भी चाहीं तो, मुखे भी भुलाई तो सुख के भी चाहीं तो, मुखे भी भुलाई तो सुख के भी चाहीं तो, मुखे भी भुलाई तो सुख के भी चाहीं तो। तुझो कसूर आया मुझो कसूर, तुझो कसूर आया मुझो कसूर, मुखे भुलाई तो वरी चाहे तो सुख मिले शांति मिले, ऐसे कभी नहीं होगा। मुख याद कर मुझे आगे जेके जी बदियों बख्शा है, अच दिल जो हाल होर तू, दिल जो हाल संसार के होरी सबने के बुधाई तो मुखे बुधाई न थो। सतनाम साखी, सतनाम साखी, भगवत जो भाव धार दिल में डाटी थई सरकार बता, दिल में डाटी थई सरकार बंदा। भगवत जो भाव जिनी मन भाव, तिनी मन भाव, जैके भाव आए माता का बुझा, जेको बार माता पिता जो उनके खौफ हुंदो आ वो रांद रूंद में वेंदो आ, जेको छुड़वा गए है सो रुले पिने पियो, भाव ही कोने उनके। पर दस तमाम मुखे मारी दी भले भई मारे, पर उनके रुलणो आ पिनणो आ भाव कोने। तो जिना के भाव आए जेके ढिजन था
भाई पाप कर्म जो फल दुख आहे हुन खां डिजन था त कंहिंजी दिल खे दुखाइण इहो पाप आहे त कंहिंजी दिल खे न दुखाईंदा हुन खां डिजंदा भाव कंदा सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी पापी पाप प्यार से करने से वो नाही पापी पाप प्यार से करता करने से वो नाही करता पापी जेके पाप कनि था वो कोई भव कोन था डिजनि था तो अगर वो डरते होते तो पाप ही नहीं करते माना कंहिंजो खीसो केर कटे पियो त हुनखे भउ थिए थो न प्रेम सां पियो कटेसि वञे पियो गोड़ करे लोड़े भरे सतनाम साखी सतनाम साखी हेॾा इतने आतंकवादियां गोलियां को मारे जा रही डर है नहीं तो अपने प्यार से करते जाते हैं पाप तो पापी पाप प्यार से करता करने से वो नहीं डरता पापी पाप प्यार से करता डरने से वो नहीं डरता जब इसके फल को पावत है दुखी होए के पछतावत है जब इसके फल को पावन है दुखी हो के पछतावत है जब इसके फल को पावत है दुखी हो के पछतावत है जब इसके फल को पावत है दुखी हो के पछतावत है पछतावत है पछतावत है ताते भूल न पाप ते भूल न पाप कमाना सराय की भाषा में है कि बुरे कमांदे बुरे नतीजे बुरे कमांदे बुरे नतीजे अगे आणगे जो तय कीते हाणे को एक जन्म जो तो खेल है कोन अनंत जन्म जो खेल है अलह केड़े जन्म में कोई पाप करे आया है हूं तो हुन जो फल असांजे अगियां अचे तो वो ऋषि करे घबराजी त वञू कि मां पंहिंजे जीवन में कोई कयो भी कोने ऐं पो गुरु परमात्मा सांजे मथा मुसीबत जे मथा मुसीबत मुसीबत जे मथा मुसीबत ॾींदा था वञनि अलाए छो अलाए कहिड़े जनमनि जो हिसाब किताब त असां खां वठनि सतनाम साखी सतनाम साखी कर्मनि जी जेकी गति आहे सो गहन आहे हुनखे केरु न सम्झी सघंदो जॾहिं भीष्म पितामह हू बाणनि जी सया ते सुम्हियो पियो आहे हू चए थो मूंखे 100 जनम यादि आहिनि मूं पंहिंजो कोई पाप कोन कयो आहे भॻवानु हुनखे चए थो 101 जनम में तो पाप कयो आहे त पाप जा अलाए केतिरा जनम असांजा थी विया आहिनि त हुननि जी कोई गिनती कोन्हे हुननि जी कोई गिनती कोन्हे त अमृत वेला ही जेके हाणे असां वेठा आहियूं भागनि वारा आहियो जो जागी करे आया बि आहियो ऐं इहे अहिड़ो अभ्यास हीअं न ख़ाली हिते ई करिणो आहे मंदर में करिणो आहे अभ्यास त जैसे लिव पहले लॻी तैसे निभे तोड़ तारे पुरुष करोड़ अहिड़ो अभ्यास जेको हिते पंजनि ॾींहंनि में सत्संग ॿुधो अथव ज्ञान ॿुधो अथव गुरुनि जो सभिनी संतनि जो अलॻि अलॻि ज्ञान ॿुधो आहे तव्हां त उहो माईंदव तॾहिं सतनाम साखी सतनाम साखी न त सतसंग ॿुधंदे साल लंघे विया सतसंग ॿुधंदे साल लंघे विया अञा रोगो पियो ॿुधंदे छा ईअं सत्संग ॾाढो सुठो ॾाढो बढ़िया सत्संग कयव अरे वक कयव त कुझु खयो बि सही
खाली बढ़िया गयो कुछ खणी वो अंदर में एक अखर भी ब अखर भी ताजे जन्म जो उद्धार थी वेंदो मोक्ष थी वेंदो। 16 शिक्षाओं हैं, 16 शिक्षाएं हैं, अगर एक शिक्षा पर भी आप अमल करो आपका जन्म मरण का उद्धार बेड़ा पार हो जाएगा। खाली एक शिक्षा जो बौधार दिल में डांटी थी सरकार बंदा भगवत जो बौधार दिल में डांटी थी सरकार बंदा पाप पुण्य जो लेखो थींदे पाप पुण्य जो लेखो थींदे साहिब जी दरबार वंदा पाप पुण्य जो लेखो थींदे साहिब जी दरबार वंदा अमृत वेले शाराम संभार बंदा अरबार बंदा व्रत वेले सिख साराम सिख साराम बोल सतगुरु देव भगवान की जय। सतनाम साके नम्र निवेदन है कि जहाँ जिसको जगह है वहीं आगे आने की चेष्टा ना करें, जिसको वॉलंटियर बोलें बैठ जाएं, हट ना करें आगे आने का। हरे राम 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 हरे स्वामी शांति प्रकाश महाराज।
कर दिया मुझको दाना नी जगत बदी श्रवण कर संतों के संग करो प्रेम रस पाना जी कथा श्रवण कर संतों के संग करो प्रेम रस पाना जी करो प्रेम रस जी
देहो पद निर्माणा जी मुझको जो हरे राम हरे राम। सभी प्रेम से बोलो सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। परमादरणीय परम श्रद्धे संत मंडली, ये चैत्र का 97 उत्सव समापन की ओर जा रहा है। कुछ चंद मिनट ही रहे हैं और ऐसे चंद मिनटों में कोई बड़ी बात कर नहीं सकते लोक में, और उनको कल्याण करना था, मोक्ष प्राप्त करना था, तो आने में घड़ी दो घड़ी लगी होगी। घड़ी का मतलब 24 मिनट, घड़ी ये घड़ी नहीं समझना, उनको जानकारी होती है नहीं तो वो भी जानकारी नहीं होती है। गुरु के या संदेश पहुंचा होगा, गुरु जी पहुंचे होंगे, कितने मिनट रहे होंगे, और उसमें उनको मोक्ष करना था। गुरु ने कहा बहुत कुछ है इन मिनटों में, क्या घोड़े चढ़ते भी ज्ञान हो जाता है, मोक्ष पाना कोई कठिन से कठिन बात भी है और सरल से सरल बात भी है, क्योंकि वो तो अपना स्वरूप है, बस स्वरूप की जानकारी हुई और मोक्ष हो गया, कौन सी बड़ी बात है। और ये जो कथा है वो उपनिषद की है, जबानी जमा खर्च नहीं है, उपनिषद वेदों का हिस्सा है। और ज्ञान प्राप्त हो गया राजा खटवांग की, तो आइए, तो जब 2-5 मिनट में मोक्ष हो सकता है तो चंद जिज्ञासा होनी चाहिए। बोल गया, कल परसों भी मैं सोच रहा था कि कोई प्रसंग में कहने के लिए सोच के आया था, पता नहीं क्या हुआ तो भूल गया, याद ही नहीं आ रहा था। आज किसी प्रेमी ने शंका के रूप में याद दिलाया, हनुमान की तरह तुम्हारा इतना बल, तो वो बात मैंने कहा भूल गया, चलो किसी न किसी रूप में वो बात हुई। ये तो है उत्सव में किसी भी महापुरुष की जानकारी नहीं होती है। इतना सिंधी समाज चेती चांद का मिल करके उत्सव करते हैं लाल साईं का, पर लाल साईं कैसे पैदा हुए, क्या उन्होंने किया, क्या उद्देश्य था, हमारा मोहित कर देते हैं, तालियां बजाते हैं, अरे हम तो सोने रह गए, ताली बजाने से क्या हुआ, हमने भंडारे खाए। लाल साई लोग गर्व से कहते हैं कि हमारे सिंधों के इष्ट देवता लाल है, वो लाल कब पैदा हुए, किस उद्देश्य से पैदा हुए, उसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। हमारे इष्ट देवता लाल है, वरुण देवता है। मैं जब भी जाता हूँ उत्सव में, हमारे यहाँ सूरत में 4-5 जगह बड़े उत्सव दे, 4-5 हजार लोग इकट्ठे होते हैं, भंडारे होते हैं, मैं समझता हूँ इतने भंडारे और किसी शहर में नहीं होते होंगे, जितना सूरत में भंडारे का रिवाज है। और लोग गर्व से सीना तान करके कहते हैं कि हमारे सिंधों के इष्ट देवता लाल साई है, और लाल साई किस ठिकाने पे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, इनकी जानकारी कुछ भी नहीं है।
ये चैत्र मेला कैसे प्रारंभ हुआ वो आज पांच सात चंद मिनटों में आप सुन लीजिए। सन संबत सन नहीं संभाई गोविंद राम जी इज्जत वाले थे, वो गुरु महाराज ठेकेदार थे, ठेके के उद्देश्य से खंडू नगरी में पहुंचे थे। गुरु महाराज पर नतमस्तक हो गए, आकर्षित हो गए, स्वामी जी को निमंत्रण दिया और वहां पर ये उत्तर का सखर शिकारपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे वहां पर सिंध प्रांत में उत्तर प्रांत गिने जानते हैं और उत्ते जे रहंदर मान के मानो चौंदा ना उत्तरादी उत्तर जे पासे इज्जत जो शहर हो उते वनी करे पौता। गुरु महाराजन जे पावन सत्संग को सुन करके लोग बहुत आकर्षित हुए। पास पास में जो गांव थे जिसमें खाई गांव था और जहाँ पर सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी रहते थे, चक बिरकण और बागड़ जी रोस्तम बहुत से बांधा थे शहरों संत दास जी थे। बाल युवा मंडल तो आज तैयार हुआ, बाल मंडली ये हमारे सदगुरु स्वामी बसंत राम महाराज जी ने खाई में सेवा के लिए निर्माण की, बाल मंडली सेवा के लिए। तो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वहां पर सेवा के लिए पहुंचे, उते जेका सो संत में शादी कार्य मंगल थींदो हो त पंचादी बारह अठ दह मानू जेते जैके जर पहुंचंदा हुआ तो उनके उहे चवंदा टहलियो। तो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का सौभाग्य था कर गई वो दो भजन सदगुरु स्वामी बसंत राम महाराज जी को, स्वामी प्रेमानंद और स्वामी बसंत राम ये महाराज साईं गुरमुख दास महाराज या जुगल जोड़ी मंडल जी हुई। स्वामी माधवदास ऐं स्वामी चंदन राम या जुगल जोड़ी मंडल जी हुई, साईं बसंत राम साईं प्रेमानंद या मंडल जी जुगल जोड़ी हुई, ये जोड़ियूं हुयूं। उनके भजन ॾिनो, उन भजन जो बल बथ कोन उहे बि ध्यान सां ॿुधी छॾियो ऐं मेलो कीअं प्रारंभ थियो। भॻवान खे प्रार्थना कजो अर्थ वर्थ मां करे कोन सघंदुसि। त जो घर विछड़िया सो घर पाया, जो घर विछड़ा सो घर पाया, हर संतन को सीस निवाया, हर संतन को सीस निवाया, भव सागर जिन तारा जाओ बल प्रति गोर सतगुर साहिब संत मिलाया। क्या क्या भाग हमारा तनिर क्या सरगुण में जो निर्गुण निरखा, रूप में रूप अरूप जो पर का तीसरी पंक्ति है। जो घर बिछड़िया सो घर पाया, हर संतन को शीश निवाया, भव सागर जिन तारा जाऊं बलहारा,
जित अविनाशी घर थे पहुंच कर गए और भव सागर से पार हुए हैं, और जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है उसकी प्राप्ति भी इस साकार स्वरूप को प्राप्त करेंगे, और साकार से निराकार की प्राप्ति होती है। दूध साकार है और मक्खन निराकार, घी निराकार है। युक्ति के द्वारा उस दूध के में जो छिपा हुआ निराकार घी है वो प्राप्त होता है। तो ऐसा अर्थ ध्यान में रख करके सतगुरु स्वामी बसंत राम महाराज जी ने कहा कि जिन्होंने उन सगुण साकार में निर्गुण निराकार की प्राप्ति की है, जिन महापुरुषों ने गुरु के सानिध्य में रह करके उस अविनाशी घर को प्राप्त किया है, तो जिन्होंने प्राप्त किया है उनके चरणों में पहुंचेंगे तो हम प्राप्त होंगे। जिनको मार्ग की जानकारी होगी वही तो सही मार्ग बताएगा, और कौन बता सकता है। तो ऐसा सतगुरु स्वामी देवराम जी महाराज ने हमारी मर्जी है, तो जिनों के मैंने नाम गिनाए वो जब स्वामी जी खंडू नगरी में यात्रा करके पहुंचे तो वे भी दौड़ करके भाग करके और वहां पर आकर के पहुंचे। कुछ और भी थे, समाज बढ़ गया, आश्रम वो तो बहुत छोटा था, खंडू नगरी का जो घर था आश्रम भी क्या था, आश्रम तो अभी नाम रखा, पहले तो वो घर था। तो उस घर में वैसे ही खंडू नगरी के अच्छे नवयुवक स्वामी जी के यहाँ आना जाना रहता था। अब ये भी पब्लिक बढ़ गई तो कैसे रहे। तो देव योग से जो मेला हो रहा था वहाँ पर जाकर, अब मैं उतने नाम माम नहीं ले रहा हूँ, उस मेले से फिर स्वामी जी टंडे आदम में पहुँचे, और टंडे आदम में आप लोगों ने जीवन चरित्र में पढ़ा है कि जो सेवादारी मोदी मूलचंद ने देखा वो स्वामी जी के मंडली को लेकर के बाद हम जा रहे खंडों में ऐसा कह करके, और वहाँ रास्ता तो वहाँ लिया और मूलचंद मोद आदम के दिब पर वहाँ पर बैठ गए और बैठ करके भजन किया। मूलचंद मेदी को जानकारी हुई और जानकारी होने के बाद कहा स्वामी जी ये क्या किया, बस ज़्यादा वृत्तांत न कह करके स्वामी जी ने वहाँ पर अब बालू रेत का टीला था, उस बालू रेत टीले को कुटियाएं घास फूस की बना करके ये 12 तारीख को मौत किया। ये हमारे टंडे आदम का प्रेम प्रकाश मंडल का क्या था, ये मौत का दिन है। ये मेला मिलाने के लिए हुआ है और ये मौत का मेला है, तो वो इसलिए ये जो शताब्दी भी होंगी वो 2078 को होगी, ध्यान देना। अभी 2075 है, 97 है, 76, 77, 78 शताब्दी उत्सव मनाएंगे। आप लोगों को मालूम, बहुत किसी विरल आदमी को मालूम होगा कि ये चैत्र मेला क्यों हुआ। ऐसे तो बहुत से उद्देश्य है, किंतु हमारे बड़ों के द्वारा जो मैंने सुना है वो यही है कि 12 तारीख को हिंदी में चबूतरो चौंद है, मत हिंदी वाला मानो एंड होंदा सिंधी खिचड़ी ठाहींदा न त मुङ विझंदा न कणो चवंदा आहिनि साईं खिचड़ी आहे त मुंहिंजो या मुङनि जा कणा मां कढी थो छॾियां सोई सघंदो, छो त थोरा कणा विझंदा न मिड़ई थोरो साओ दाग रसण में अचे, पर तॾहिं बि चवंदा न खिचड़ी ठाही आहे, गर्व सां खिचड़ी खाधी त ठाही आहे, खाओ खिचड़ी खाओ, अरे त चांवरनि खिचड़ी ठाही आहे, चई पर मुङ पियल आहिनि न ते हूंदा त बराबरि हिंदीअ में ईअं शायदि उहा मुङ बि घणा हूंदा, मारवाड़ी एतिरा होतिरा। तो ऐसा
संबद 2000 और 1977 में ये 78 में उत्सव शुरू हुआ और संबद 2078 में शताब्दी होगी। बड़े उत्सव से बड़े उमंग से उत्सव मनाएंगे। बस इतना कह करके भजन का अर्थ नहीं कर सकता हूँ और कोई भी कमी पेशी हुई हो हमको मालूम तो होना चाहिए कि आखिरी उत्सव कब शुरू हुआ, क्यों हुआ, ये भी बहुत है, किंतु हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अभी मुझे कुछ ऐसी भी बदी थी, यहाँ पर जो ऊपर लोग रहते हैं या मंदिर में बैठते हैं वो वास्तव देखते हैं, यहाँ पर वास्तव देखेंगे, यहाँ पर मोबाइल का उपयोग करेंगे तो आखिर शांति कब होगी? फिर तो मरने के बाद होगी और कभी नहीं होगी। इसलिए सब छोड़ करके कहो आनंद 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 सतनाम साखी मंत्र का जप का संकल्प करके ले जाएंगे। सतनाम साखी की माला जपेंगे, अमरापुर प्रेम प्रकाश ग्रंथ की वाणी का प्रचार करेंगे, रोज पढ़ेंगे संकल्प का थोड़ा ही पर प्रेम प्रकाश ग्रंथ की
संतन बाण वदन के निवड़ी शीस निवाया मां सतगुर संतन बाण वदन के निवड़ी शीस ईश्वरैया कर आस
सदगुर सदबुद्धि दान दे हरो कुमत को विचार कहते हूँ कृपा करे दीजे ज्ञान भंडार। तो आज इस चैत्र मेले 97वें चैत्र मेले का समापन होने जा रहा है। प्रार्थना और गुरु महाराज जी के चरण की केवल पलव का दिन विनती का है। हमेशा ही हर जगह हम प्रार्थना कर सकते हैं और हर जगह गुरु महाराज जी का ध्यान सुमरण कर सकते हैं। वो सर्वव्यापक है, आयोजन होता है, लेकिन हमेशा ही पलव पाए, हमेशा ही प्रार्थना करें, हमेशा ही उनके चरणों में विनती करते रहें, क्योंकि सदगुरु की अनंत कृपा है और उनके सिवा दूसरा कोई आधार नहीं। एक ही जिसने आधार ले लिया गुरु का, उसको फिर चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं। लेकिन आधार कैसे ले, कैसे अपने मन को उनके चरणों में लगाएं, ये विधि भी उनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा प्राप्त होती है। तो मूल बात है उनकी अमृतमयी वाणी, उनका सतोपदेश, और यही बार बार मनन करने योग्य बात है। दूसरी सब बातें गौण है। उनकी शिक्षा, उनके उपदेश, जिस कारण से उन्होंने आकर के अवतार लिया और जिस कारण से इस मेले का आयोजन रखा, मिलो मिलावो मिल रहो, मिलो तो मेला होए, अंतर आत्म जो मिले मेला कहिए सोए। तो वास्तव में जीव का ईश्वर से मिलन और आत्मा का परमात्मा से मिलन, अगर सर्व दुखों की निवृत्ति, हमेशा के लिए शांति आनंद, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर हमें चलना है, उनके पावन चरणों में प्रार्थना करनी है कि दूसरा मेरा कोई सहारा नहीं। सर्व ओर से हो निराशा, चरण कमल तब आन गहे, और आसरा छोड़ सभी, एक दर तेरे पर देख रहे। जून चौरासी फिर स्वामी, जन्म मरण बहुत दुख सहे, कहे ते गुर पार करो, भव सिंध में हम जात बहे राम। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान के वचन है कि सब तरफ से अपने मन को हटा लो, एक अनन्य भावना से उनकी करें कि मन की वृत्ति सही रहे। सतगुर सदबुद्धि दान दे हरो कुमत को विचार, अगर मन की वृत्ति सही है तो कर्म सही होंगे, दिशा सही मिलेगी, इसलिए उनके चरणों में प्रार्थना करें। जड़ो आया तहड़ो तहे जो, तो बिन सतगुरु व्यो नाम जो,
करे बाजारा पहनी मुझो सांग कदे तू सग बाज करे तुंहिंजी स्मृति अमृत आहे मुला दिलनि खे छॾे गफलत मावट जल्द जगाए याद करे न दीन दास के गफलत मावट जल्द जगाए प्रेम जी सर की प्यार जय प्यार जय अरे सतगुरमुखे मन माखी नवसार जय सतगुरमुखे मन माखी नवसार जय सतगुरमुखे मन माखी नवसार जय सतगुरमुखे मन माखी दर्शन दे दिल कार जय कार जय ओ दर्शन दे दिल कार जय कार जय हर राम दर्शन दे दिल कार जय कार जय ओ दर्शन दे दिल कार जय कार जय सतगुरमुखे मन माखी नवसार जय सतगुरमुखे मन माखी नवसार जय सतगुरमुखे मन माखी नवसार जय जहड़ो आया तहड़ो तुंहिंजो तो बिन सतगुर बियो नाम जो तो मन में दूसरा कोई न बसे संसार न बसे संसार की बातें मन में न टके ऐसी गुरुदेव के पावन चरणों में प्रार्थना करें उनकी अनंत शक्ति है और शक्ति का पारावार नहीं और जो ईश्वर की शक्ति है वही गुरुदेव की शक्ति है ब्रह्म वित्त ब्रह्मैव भवति पानी का लोटा गंगा जी में जाके गंगा जल बन जाता है क्या वो ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं सर्वव्यापक भी हैं और सर्वशक्तिशाली भी हैं सबको जानने वाले सबकी रक्षा करने वाले वही हैं केवल अपना ध्यान उनके चरणों में लगाना और कुछ उन्हें नहीं चाहिए केवल उनकी स्मृति मन में रहे सुमरण होता रहे तो कैसे भी महान से महान कष्ट हो विघ्न हो उनकी कृपा से वो दूर हो जाते हैं वो सब बातों को देखते हैं सब जगह पे व्यापक हैं विश्व व्यापक होए रहा तुम जून
चराचर माही जून चराचर माही विश्वव्यापक चराचर माई जो कण कण में व्यापक है उसे आने में देर नहीं लगेगी। दूर से जो आए उसे समय चाहिए, साधन चाहिए, लेकिन जो व्यापक है वो प्रकट होता है। बिना उनका स्वरूप दिखाए कार्यों को वो संपन्न करते हैं, दुख दर्दों को दूर करते हैं, और यही उनके अमृतमय वाणी के वचन है कि तुम केवल याद रखो, तुम केवल उनकी स्मृति मन में रखो, बाकी सब भार उनके ऊपर छोड़ दें। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो पलव का टाइम है, गुरु महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना करें। व्यवहारिक पक्ष जीवन का, उसमें भी शांति सुख चाहिए, और आध्यात्मिक पक्ष, नाम में मन नहीं लगता, मन की चंचलता निवृत्त नहीं होती, दोनों प्रकारों के जो कष्ट हैं व्यवहारिक और आध्यात्मिक, दुनियावी दुख वो भी दूर हो, मन को शांति प्राप्त हो, मन उनके चरणों में लगे, और ऐसी उलझने जो हमारी कोशिशों से दूर नहीं होती उन उलझनों को भी वो दूर करने वाले अनंत उनकी शक्ति है। मिलकर के पलव पाए, प्रार्थना करें। जो जन आ गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहते दस दास की पूरन करिए आस, दुख सर्व ही दूर हो कार जाओ वनराज।
आशवंदी गुर तो दर आई तुझा बिन ठार न खाई आशवंदी गुर तो दर आई तुझा बिन ठार न खाई Let me go.
बंदी गुर तो दर आई तुझा बिन ठार न खाई आशवंदी गुर तो दर आई तुझा बिन ठार साखी शिवो हम साखी शिवो सत सुत आनंद साखी शिवो हम स्वयं बिन काशी साखी शिवो हम सिदया काशी साखी शिवो हम सर्वन वासी साखी शिवो हम प्रेम प्रकाशी साखी शिवो हम कहता तेऊ कहता स्वामी